बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कि एक ऑब्जेक्ट है और वो कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है और वो इमेज बनाता है 5 सेंटीमीटर का बिहाइंड द मिरर, मिरर की बैक साइड पे। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को क्यू से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। तो डाटा नोट करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में जितने भी वैल्यूज गिवन होंगी उन वैल्यूज़ को हम SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो भी सेंटीमीटर में होंगी और जो आंसर हमारा आना चाहिए वो भी सेंटीमीटर में ही आना चाहिए, तो वैल्यूज़ को SI यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम करेंगे तो ऐट दी एंड फिर हमें दोबारा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं करना। अब इस स्टेटमेंट में जो न्यूमेरिकल में जो मिरर इस्तेमाल किया गया है वो कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो इमेज डिस्टेंस है अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो क्यू की वैल्यू उस केस में नेगेटिव होती है। यानी कि इस न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे और क्यू की वैल्यू भी माइनस में लेंगे। तो डाटा नोट करते हैं, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी से डिनोट करते हैं तो ये पी इक्वल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर, ये इमेज बना रहा है मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि आपको बताया था कि इमेज जब बिहाइंड द मिरर बनेगा तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ कैलकुलेट करना है हमने, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जब पी क्यू और एफ की वैल्यू गिवन हो तो इमेज फार्मूला या लेंस फार्मूला, लेंस यूज हो रहा हो तो लेंस उसको लेंस फार्मूला कहते हैं और इमेज यूज और मिरर यूज हो रहा हो तो उसको मिरर फार्मूला कहते हैं। तो वो जो इमेज फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q मिरर्स के लिए और लेंस के लिए ये एक ही फार्मूला है और इस चैप्टर के ऑलमोस्ट तमाम न्यूमेरिकल्स में यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। टोटल 2 से 3 फार्मूले हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होते हैं, तो वो आपने याद कर लेने हैं। जो सबसे ज़्यादा फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ये वाला है 1/f = 1/p + 1/q। अब इसमें एफ कैलकुलेट करना है, पी और क्यू की वैल्यूज मौजूद हैं तो वो पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे। 1/f = हो जाएगा 1/p की वैल्यू 10 है प्लस 1/q की वैल्यू -5। तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि 1/10 - 1/5। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 आएगा तो ये 10 ones are 10, 1 इधर आ गया, -5 2s are 10 तो 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 1/f = आ जाएगा -1/10 के, तो f = आ जाता है -10 सेंटीमीटर के। अब नेगेटिव साइन क्यों आया है फोकल लेंथ के साथ, तो वो बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स मिरर के लिए वो हमेशा नेगेटिव होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर विथ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। के इस न्यूमेरिकल में कनकेव मिरर इस्तेमाल किया जा रहा है और उस कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है और उस मिरर की फोकल लेंथ भी गिवन है। इमेज कहाँ पे बनेगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हाउ हाई इज इट और उसकी हाइट इमेज की क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है।
तो इस स्टेटमेंट में कनकेव मिरर इस्तेमाल किया गया है। अब कनकेव मिरर क्या होता है कि कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और इमेज डिस्टेंस उस वक्त नेगेटिव होगा जब जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बने, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो डाटा नोट करते हैं। डाटा में ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम एच ओ से डिनोट करते हैं, तो एच ओ इक्वल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर के। इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। ये क्या चीज है? मिरर से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, यानी कि पी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, तो पी इक्वल आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर के, विथ फोकल लेंथ एफ आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज कहाँ पे बनता है, यानी कि क्यों कैलकुलेट करना है, हाउ हाई इज इट, और एच आई की वैल्यू क्या है वो भी कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/f = 1/p + 1/q। इसमें Q कैलकुलेट करना है तो 1/p दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/q इक्वल आ जाएगा 1/f - 1/p के। अब p और f की वैल्यूज पुट कर देंगे तो 1/q इक्वल आ जाएगा 1/16 - 1/10.5 के। f की वैल्यू 16 है और P की वैल्यू 10.5 गिवन है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऐसे लेना है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इनको यहाँ पे लिखा, 16 इस 16 के साथ कैंसिल हुआ तो बाकी 10.5 बचा, उसको इधर लिख दिया। 10.5 से कैंसिल हुआ तो बाकी 16 बचा, उसको इधर लिख दिया। तो 1/q इक्वल आ जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये -5.5 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होके 168 आ जाते हैं। इसको उल्टा लिखेंगे, यानी कि ये 1/q है, अगर इसको क्यू करते हैं तो ये 168/5.5 आ जाता है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी -30.54 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बना है, इस वजह से क्यू के साथ नेगेटिव साइन आया है। नेक्स्ट इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, क्या फाइंड करना है बी पार्ट में, हाउ हाई इज इट, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है एच आई। तो एच आई कैलकुलेट करने के लिए हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन इक्वल होती है एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट equal to distance of the image divided by distance of the object। तो एच आई कैलकुलेट करना है, एच ओ इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच आई इक्वल हो जाएगा क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच ओ। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, एच आई इक्वल होगा क्यू की वैल्यू 30.54 जो अभी कैलकुलेट की, डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू 10.5 मल्टीप्लाई बाय एच ओ 30 है। तो ये हाइट इमेज हाइट जो है 87.26 सेंटीमीटर आ जाएगी। वैसे तो ये है कि क्यू की वैल्यू यहां पे नेगेटिव में पुट करनी चाहिए, तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके मुताबिक जो इमेज हाइट ऑफ द इमेज होगी वो नेगेटिव में आती है। तो बुक में आंसर पॉजिटिव में लिखा हुआ है, इस वजह से यहां पर नेगेटिव की वैल्यू पुट ही नहीं कही, डायरेक्ट आंसर पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। एक कनकेव मिरर इस्तेमाल किया गया है और उस कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस है वो सेम हाइट पे हैं। सेम हाइट उस वक्त होती है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम हो। येट इन्वर्टेड, जेट इन्वर्टेड से मुराद ये है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो इन्वर्ट हुआ हुआ है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो तो फोकल लेंथ उस मिरर की क्या होगी। तो डाटा में क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन एक पहली बात आपको ये बता दूं कि कनकेव मिरर इस्तेमाल किया गया है,
तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस जो है अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो नेगेटिव होगा। तो इसमें डाटा में ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, यानी कि एच ओ इक्वल है एच आई के, जो ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो इक्वल है हाइट ऑफ द इमेज के। येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो एफ कैलकुलेट करना है। तो जस्ट यही डाटा हमें गिवन है, अब इसकी मदद से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज की जो रेशो है वो किसकी इक्वल होती है, यानी कि मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है एच आई ओवर एच ओ इक्वल हो जाता है क्यू ओवर पी के। इस फार्मूले में एच ओ और एच आई सेम है, ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी एक के साथ यानी कि इधर एच ओ लिख देंगे या फिर इधर एच आई लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे उसको दोनों सेम होने की वजह से। तो एच ओ ओवर एच ओ इक्वल हो जाएगा क्यू ओवर पी के, क्योंकि दोनों इक्वल थे। ये इससे कैंसिल, तो वन इक्वल आ जाता है क्यू ओवर पी के, यानी कि क्यू इक्वल आ जाएगा पी के। अब जब क्यू पी के इक्वल आ गया तो अब हम मिरर फार्मूला इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं एफ, क्योंकि पी की वैल्यू तो मौजूद है, तो क्यू की जगह पे भी पी लिख के उसकी वैल्यू पुट करके हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिरर फार्मूला वन ओवर एफ इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, इसमें क्यू रिप्लेस हो जाएगा पी से, पी को क्यू से रिप्लेस नहीं करना क्योंकि फिर हमारे पास क्यू की वैल्यू है ही नहीं, तो क्यू को पी से रिप्लेस करेंगे ताकि पी की जो वैल्यू है वो हमें डाटा में गिवन है तो वो इसमें पुट कर सकें, यानी कि वन ओवर एफ इक्वल आ जाएगा वन ओवर पी प्लस वन ओवर पी के, तो क्यू इक्वल आ जाता है क्योंकि क्यू पी के इक्वल था, ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड किया था। तो क्यू की जगह पे पी लिख दिया, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम अगर लें तो पी एलसीएम आता है और ऊपर वन प्लस वन हो जाएगा, यानी कि वन ओवर एफ इक्वल आ जाता है टू ओवर पी के। तो ये एफ इसको उलट दें, एफ इक्वल आ जाएगा पी ओवर टू के, यानी कि एफ इक्वल टू पी की वैल्यू 20 है डिवाइडेड बाय 2, तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाती है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि फोकल लेंथ मिरर की कैलकुलेट करनी है जो कि इमेज बना रहा है 5.66 सेंटीमीटर का बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे इमेज बन रहा है और वो इमेज डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। तो इसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जा रहा है ये हमें नहीं मालूम, ठीक है, कौन सा मिरर इस्तेमाल हो रहा है ये इसमें नहीं बताया गया। तो हम डाटा नोट करते हैं, डाटा के मुताबिक फाइंड द फोकल लेंथ एफ कैलकुलेट करनी है ऑफ ए मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है तो ये इमेज डिस्टेंस है यानी कि क्यू की वैल्यू है और क्यू की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, जब बिहाइंड द मिरर बनेगा तो क्यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस डेट, अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी की वैल्यू गिवन है 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो डाटा हम नोट कर लिया, इस डाटा की मदद से हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो एफ कैलकुलेट करना है, क्यू और पी की वैल्यूज मौजूद हैं, सिंपली मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वन ओवर एफ इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, यानी कि वन ओवर एफ इक्वल आ जाता है वन ओवर पी की वैल्यू 34.4 है प्लस वन ओवर क्यू की वैल्यू -5.66 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि वन ओवर 34.4 माइनस वन ओवर 5.66, इनका एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, 5.66 इससे कैंसिल हुआ तो ये वाला इधर आ गया और 34.4 इससे कैंसिल हुआ तो बाकी जो रह गया वो इधर आ गया।
ऊपर वाली वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 ओवर एफ इक्वल आ जाता है 28.74 डिवाइडेड बाय 194.7। ये आपने चेक कर लेना है, ये मिस्टेक हुई है। 5.66 से -3.44 करेंगे, नहीं बल्कि ठीक है, वो आंसर ठीक है। जहाँ पे मिस्टेक हुई है ये 3.44 नहीं है, 34.4 है, ठीक है। ये पॉइंट टाइप करते वक्त वो जहाँ पे टाइप हो गया है 34.4 होगा, तो जब इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 28.74 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 194.7 आ जाएगा, यानी कि 1 ओवर एफ था तो इसको एफ लिखा, उलट दिया तो ये वैल्यू भी उलट जाएगी। एफ इक्वल आ जाएगा -194.7 डिवाइडेड बाय 28.74, यानी कि एफ इक्वल आ जाता है -6.77 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर के मुताबिक अगर आप देखें तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिव लिया था, और इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर हो तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बताया था तो इस वजह से क्यू की वैल्यू नेगेटिव ली थी। तो इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 है। एन इमेज ऑफ ए स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर विथ फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, के एक इमेज है एक स्टैचू का जो कि 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड बनता है कन्वेक्स मिरर से, कन्वेक्स मिरर के बिहाइंड इमेज बनता है, यानी कि इमेज डिस्टेंस गिवन है। विथ फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, उस कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 13.5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, स्टैचू टू द मिरर स्टैचू ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है? कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया गया है, तो कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और इमेज डिस्टेंस अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा हो तो वो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। डाटा नोट करेंगे स्टेटमेंट की मदद से। तो इमेज ऑफ ए स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस पी की वैल्यू 11.5 सेंटीमीटर गिवन है। इमेज डिस्टेंस क्यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी होता है, इमेज डिस्टेंस क्यू की वैल्यू -11.5 सेंटीमीटर आएगी क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा था। तो जब बिहाइंड बनता है तो इमेज डिस्टेंस के साथ नेगेटिव साइन आता है। कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ एफ की वैल्यू गिवन है 13.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बताया था कि कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्टैचू इसमें एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इन क्वांटिटीज के मुताबिक वही मिरर फार्मूला जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते आ रहे हैं वही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि फार्मूला हमारे पास है 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। वैल्यूज पुट कर देंगे, बल्कि वैल्यूज पुट करने से पहले 1 ओवर पी कैलकुलेट करना है तो इसको एक तरफ कर लेंगे, ये 1 ओवर क्यू उधर जाके इस वैल्यू में से माइनस होगा, तो 1 ओवर पी इक्वल आ जाएगा 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर क्यू के। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 1 ओवर p इक्वल आ जाएगा 1 ओवर f की वैल्यू -13.5 माइनस, यहाँ पे ये माइनस इस वैल्यू के साथ है तो वो लिखा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे बल्कि एलसीएम लेने से पहले इस माइनस को पहले इधर बाहर लिख दिया। ये स्टेप आपको बेशक करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट यही स्टेप लिख लें। ये माइनस बाहर कर दिया और इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया। अब लेंगे एलसीएम, तो इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहाँ पे लिखा, 13.5 कैंसिल, बाकी ये रह गया तो इसको इधर लिख दिया, प्लस 11.5 कैंसिल तो बाकी ये वैल्यू रह गई उसको इधर लिख दिया। 1 ओवर पी इक्वल आ जाता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 155.25 आ जाएगा। यानी कि इसको उलट दें तो p इक्वल आ जाएगा 155.25 डिवाइडेड बाय 2, तो
पी की वैल्यू आ जाती है 77.63 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, यानी कि मिरर से उस स्टैचू का जो डिस्टेंस था वो 77.6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.70 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है और उसका इमेज, उसकी मदद से इमेज प्रोड्यूस किया गया है और उस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 8.70 सेंटीमीटर है। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और वो ऑब्जेक्ट मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। ऑप्शन ए क्या है, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि इन गिवन वैल्यूज के साथ उस इमेज की लोकेशन, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है। और बी पार्ट में क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है जो उस मिरर से प्रोड्यूस होगी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डबल कर दिया जाए। ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, यानी कि जो ऑलरेडी वैल्यू गिवन है उसको डबल कर दिया जाए। तो डाटा हमारे पास क्या है कि डाटा लिखने से पहले इस स्टेटमेंट में, इस न्यूमेरिकल में कनकेव मिरर इस्तेमाल किया गया है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है और इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बनता है तो क्यों की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। ये आपको याद होना चाहिए, ये मैंने इसीलिए हर न्यूमेरिकल के साथ जो भी मिरर या लेंस इस्तेमाल हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन लिख दी है। तो इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.5 सेंटीमीटर। ये कनकेव मिरर की फोकल लेंथ के मन है, यानी कि एफ की वैल्यू हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर आ गई। ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ 13.2 सेंटीमीटर के मन है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ये कौन सा डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से लिखते हैं तो पी की वैल्यू गिवन है 19.3 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, लोकेशन यानी कि क्यू कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस, एंड हाइट ऑफ द इमेज यानी कि एच आई कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, एच आई कैलकुलेट करना है जब एच, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पी जो है उसकी वैल्यू गिवन वैल्यू से डबल हो। एच आई कैलकुलेट करना है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, ट्वाइस फार फ्रॉम द मिरर, पहले था अगर हमारे पास 19.3 तो उसका डबल कर दिया, यानी कि इस बी बी पार्ट सॉल्व करते वक्त जो पी की वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे वो 38.6 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एफ और पी की वैल्यू गिवन है तो इजीली क्यू कैलकुलेट हो सकता है मिरर फार्मूला से। मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/f = 1/p + 1/q। इसमें q कैलकुलेट करना है तो 1/q इक्वल आ जाएगा 1/f - 1/p के। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/q इक्वल आ जाएगा, फोकल लेंथ 8.7 गिवन है माइनस पी की वैल्यू 19.3। इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि 8.7 इंटू 19.3, तो ये क्या हो जाएगा कि 8.7 से कैंसिल, बाकी जो वैल्यू रह गई उसको इधर लिख दिया, माइनस ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, तो बाकी जो वैल्यू रह गई वो उसको इधर लिख दिया। ये सिंपल सा मेथड है, आप पहले भी लेते रहते हैं एलसीएम मैथ्स में काफ़ी, तो यहाँ पे थोड़ा समझा इस वजह से देता हूँ कि बस बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं तो उन्हें एलसीएम लेना भी नहीं आता होता। तो अब हम क्या करेंगे, 1/q इक्वल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाली वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 10.6 डिवाइडेड बाय 167.91 आ जाएगा। यानी कि इसको उलट दें, क्यू इक्वल हो जाएगा 167.91 डिवाइडेड बाय 10.6, डिवाइड करेंगे तो क्यू की वैल्यू 15.84 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये क्यू की वैल्यू आई है पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर नहीं बना, इन फ्रंट ऑफ मिरर बना, तो इस वजह से क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई। उसके बाद हमने हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है, तो मैग्निफिकेशन फार्मूला यानी कि हाइट ऑफ द इमेज एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ से एच ओ दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तमाम वैल्यूज मौजूद हैं वो हम पुट करेंगे, एच आई इक्वल आ जाएगा क्यू, अभी कैलकुलेट किया 15.84 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू गिवन है 19.3 मल्टीप्लाई बाय 13.2 एच ओ की वैल्यू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी हमें गिवन है। तो ऊपर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 208.56 आ जाता है डिवाइडेड बाय 19.3 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी 10.83 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, बल्कि इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, जिसमें हमने हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डबल कर दिया जाए। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डबल करेंगे तो इमेज डिस्टेंस भी पे भी फर्क पड़ेगा, यानी कि पहले जो पी था उसके लिए क्यू चेंज था, तो जब पी की वैल्यू चेंज कर देंगे तो क्यू की वैल्यू भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। यानी कि हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है जब पी की वैल्यू ये हो तो हम पहले क्या करेंगे, पी की वैल्यू चेंज कर दी पहले की निस्बत तो क्यू की वैल्यू भी पहले की निस्बत चेंज हो जाएगी। तो हम पहले मिरर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए क्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1/f = 1/p + 1/q में 1/q को एक तरफ कर लें तो 1/f - 1/p हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है 8.7 माइनस क्यू की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 38.6, अब पी की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 38.6, एफ की वैल्यू 8.7 और पी की वैल्यू ये इस बी पार्ट के लिए 38.6 है। तो 1/q इक्वल आ जाता है, इसका एलसीएम लें, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा 8.7 इससे कैंसिल बाकी जो रह गया उसको इधर लिख दिया और 38.6 इससे कैंसिल बाकी जो रह गया उसको इधर लिख दिया। तो इनको सब्ट्रैक्ट करें ये 29.9 आ जाता है डिवाइडेड बाय इनको मल्टीप्लाई करने से 335.82 आएगा। इसको अगर उलट दें तो क्यू इक्वल आ जाता है 335.82 डिवाइडेड बाय 29.9, यानी कि क्यू की वैल्यू आ जाती है 11.23। इसका क्या मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज किया है तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो गया है। अब ये वाली पी और क्यू की वैल्यू यूज करके हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करेंगे, वही मैग्निफिकेशन का फार्मूला एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी। इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, पी एच आई कैलकुलेट करना है, तो एच ओ इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, एच आई के लिए क्यू की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू डबल कर दी गई थी 38.6 वो पुट की मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो चेंज नहीं होगी। आप पोजीशन जिधर मर्जी ऑब्जेक्ट की चेंज करें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम रहेगी, तो वो एज इट इज पुट किया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये 148.236 आता है डिवाइडेड बाय 38.6, तो इसको डिवाइड करने से हाइट ऑफ द इमेज आ जाती है 3.84 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। नबीला यूजेज अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। एक लड़की है जिसका नाम नबीला है और वो कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है मेकअप करते वक्त। मिरर हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। उस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 38 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ एफ मिरर की क्या होगी। नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो वेयर विल हर इमेज अपीयर, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्यों कितना होगा। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, और ये भी बताना है कि वो इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। तो हम डाटा नोट करते हैं, डाटा नोट करने से पहले इसमें कनकेव मिरर इस्तेमाल किया गया है तो कनकेव मिरर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, और इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बनता है तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो डाटा में क्या है, नबीला यूजेज अ कनकेव मिरर अप्लाइंग मेकअप, मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर की वैल्यू गिवन है 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ कैलकुलेट करना है। नबीला लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि पी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर गिवन है।
वेयर विल हर इमेज अपीयर, कहाँ पे इमेज बनेगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करना है. विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, जो इमेज है वो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, यानी कि नेचर ऑफ द इमेज भी बतानी है. तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. सबसे पहले पी और क्यू, एफ अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से, तो फिर उस एफ और पी का इस्तेमाल करते हुए क्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यूज आएंगी उनके मुताबिक हमें इमेज की नेचर भी मालूम हो जाएगी. तो पहले हम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं. फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, यानी कि एफ इक्वल होता है आर बाय टू के. तो वैल्यू पुट की 38/2, तो ये फोकल लेंथ हमारे पास 19 सेंटीमीटर आ गई. अब इसका इस्तेमाल करते हुए और पी की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए क्यू कैलकुलेट करेंगे, तो मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बी पार्ट कैलकुलेट करने के लिए. क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1/f = 1/p + 1/q, यानी कि क्यू कैलकुलेट करना है तो 1/q इक्वल हो जाएगा 1/f - 1/p के. अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/q इक्वल आ जाएगा फोकल लेंथ 19 अभी कैलकुलेट की, -1/p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 है. तो 1/q इक्वल आ जाता है, 19 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 19 × 50, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं 19 से कैंसिल, बाकी 50 रह गया, -50 से कैंसिल तो बाकी 19 रह गया, उसको इधर लिख दिया. 50 - 19 ये 31 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 950 आ जाता है. तो 1/q है, इसको उलट देंगे तो क्यू हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी उलट जाएगी, यानी कि क्यू इक्वल टू 950/31. इसको डिवाइड करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 30.84 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इसकी नेचर भी बतानी थी इमेज की, कि इमेज की नेचर क्या है. तो जहाँ पे क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो जहाँ पे क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो इमेज अपराइट होता है, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव आती तो इमेज इन्वर्टेड होता. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज. इससे पहले जो न्यूमेरिकल थे, जो 7 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए, वो मिरर से रिलेटेड थे. अब यहाँ से आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लेंस से रिलेटेड हैं. तो ये पहला न्यूमेरिकल है लेंस से रिलेटेड, इसमें कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया गया है. फार्मूला वही है 1/f = 1/p + 1/q. बस आपने याद रखना है कि इसमें लेंस इस्तेमाल हो रहा है, तो लेंस और मिरर की जो साइन कन्वेंशन हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है. कन्वेक्स लेंस की जो साइन कन्वेंशन हैं उसके मुताबिक फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है. तो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, फॉर्म ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर. वो कन्वेक्स लेंस बनाता है, कन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है उसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है. एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई. कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्यू, और साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज एच आई कैलकुलेट करनी है. ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर भी कैलकुलेट कर लेंगे एंड पे. तो अब इसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं. वही लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/f = 1/p + 1/q. इसमें क्यू इजीली फाइंड हो सकता है, तो 1/q इक्वल हो जाएगा 1/f - 1/p के. वैल्यूज पुट करेंगे, एफ 8 गिवन है और पी की वैल्यू 12 है. इसका एलसीएम लेंगे तो 8 × 12 लिखा, 8 से कैंसिल, 12 इधर आ गया, -12 से कैंसिल, 8 इधर आ गया. 12 - 8 आंसर 4, डिवाइडेड बाय 12 × 8 आंसर 96. इसको उलट देंगे, क्यू इक्वल हो जाएगा 96.4 के, यानी कि क्यू की वैल्यू आ जाती है 24 सेंटीमीटर. नेक्स्ट जो है इसकी
हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी, यानी कि एच आई इक्वल हो जाता है क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच ओ। तो एच आई इक्वल हो जाएगा क्यू की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय 4। एच आई इक्वल आ जाता है 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया 96 डिवाइडेड बाय 12, एच आई आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव आई है और हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव है, तो लेंस हमारे पास कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहा था। साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हाइट साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी हाइट गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है, ये कन्वेक्स लेंस से जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है उससे इतने डिस्टेंस पे मौजूद है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट दोनों कैलकुलेट करने हैं। एंड स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर भी कैलकुलेट बतानी है। तो इसमें कनकेव मिरर इस्तेमाल किया गया, कनकेव लेंस इस्तेमाल किया गया है। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है और इमेज डिस्टेंस अगर वर्चुअल इमेज हो, ये वर्चुअल लिखना है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वर्चुअल इमेज हो तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो डाटा में हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट यानी कि एच ओ 10 सेंटीमीटर गिवन है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई, फॉर्म अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ 15 सेंटीमीटर, यानी एफ इक्वल आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर के, क्योंकि फोकल लेंथ जो है कनकेव लेंस की वो हमेशा नेगेटिव होती है। कैलकुलेट द पोजीशन, एच आई इमेज की जो पोजीशन है, पोजीशन से मुराद उसका डिस्टेंस है इमेज का लेंस से, तो उसको क्यू से डिनोट किया जाता है, और साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ द इमेज एच आई कैलकुलेट करना है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, तो सी पार्ट में नेचर ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्यू कैलकुलेट करने के लिए वही लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू का, 1 ओवर क्यू एक तरफ आ जाएगा तो 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 ओवर क्यू इक्वल हो जाएगा 1 ओवर एफ की वैल्यू माइनस 15 माइनस 1 ओवर पी की वैल्यू 20 है। तो ये माइनस 1 ओवर 15 माइनस 1 ओवर 20, यानी कि एलसीएम लें अगर 15 20 तो जहाँ से ये 15 कैंसिल, बाकी 20 रह गया, माइनस 7 था तो माइनस 20, और ये माइनस आ गया 20 20 से कैंसिल तो बाकी 15 रह गया, ये 15 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 1 ओवर क्यू इक्वल आ जाता है, दोनों के साथ नेगेटिव साइन आया तो ऐड होंगे और साइन साथ माइनस का आएगा, माइनस 35 डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 300 आ गया, यानी कि इसको उलट दें तो क्यू इक्वल आ जाता है माइनस 300 ओवर 35, क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8.5 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस जो है उसके साथ नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है, अगर पॉजिटिव में वैल्यू आती तो रियल इमेज बनता। नेक्स्ट हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है, तो एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी, इसमें एच ओ दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे, एच आई इक्वल हो जाएगा क्यू की वैल्यू माइनस 8.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट की अभी डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू 20 है मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 है, यानी कि एच आई इक्वल हो जाएगा माइनस 85.7 डिवाइडेड बाय 20, तो हाइट ऑफ द इमेज आ जाती है 4.28 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है यहाँ पे आप बेशक उसके साथ जो क्यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही पुट कर दिया करें, हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, तो यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी उन न्यूमेरिकल्स में जहाँ पे एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू ओवर पी फार्मूला इस्तेमाल किया वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पुट नहीं किया था। नेक्स्ट इसकी नेचर ऑफ द इमेज बतानी है,
तो क्यू नेगेटिव आया है और हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव आई है, तो लेंस इज कनकेव, लेंस हमारे पास कनकेव था, ऑब्जेक्ट इज लार्जर इन साइज देन द साइज ऑफ द इमेज, इमेज साइज एच ओ 10 था और इमेज साइज 4.28 है और ऑब्जेक्ट ग्रेटर है, तो इसका मतलब है इमेज छोटा बना है, देयर फॉर द इमेज इज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल बना, किस वजह से, क्योंकि क्यू की वैल्यू नेगेटिव थी, इरेक्ट सीधा एंड डायमेनिश, यानी कि क्यों जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट साइज था, उससे इमेज साइज कम था। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि एक कन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर की माना है, उसको इस्तेमाल किया गया है एक वर्चुअल इमेज बनाने के लिए और वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे 3 गुना ज्यादा इमेज का साइज होगा, तो लेंस को कहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी कि फोकल लेंथ इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं फोकल लेंथ गिवन है, इमेज डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया गया है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी होती है और इमेज डिस्टेंस क्यू होती है, कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस के लिए ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो डाटा में फोकल लेंथ एफ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है, वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 3 times साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि क्यू इक्वल है -3p के, और इमेज वर्चुअल इमेज था तो साथ नेगेटिव साइन आएगा, मैंने बताया ना कि इमेज रियल इमेज हो तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर वर्चुअल इमेज हो तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो क्यू की वैल्यू -3p, उसने यही कहा था कि वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। सॉल्यूशन इसका देखेंगे, वही लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/f = 1/p + 1/q वाला, इसमें हम 1/p कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू अगर पुट करते हैं 1/f की वैल्यू 6 आ गई, 1/p एज इट इज आ गया, -q की जगह पे हमने -3 पुट कर दिया, जब वो -3 पुट किया तो इस प्लस को उसने माइनस कर दिया, अब इनका एलसीएम ले लिया 3p ऊपर आ जाएगा 3 - 1 के, यानी कि 1/6 इक्वल आ जाएगा 2/3p के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3p इक्वल हो जाएगा 12 के, p इक्वल आ जाएगा 12/3, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाता है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन ए लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 सेंटीमीटर, एक लाइट रे है और वो एयर से आती है और लिक्विड सरफेस पे पड़ती है, कितने एंगल के साथ, 35 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट, एंडर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है, उसकी वैल्यू गिवन है, ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस, क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो डाटा में हमारे पास रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन ए लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई गिवन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर गिवन है, आर कैलकुलेट करना है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, एन की वैल्यू 1.25 गिवन है, ऑल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल सी, कैपिटल सी भी कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें ये लेंस और मिरर से हटके है, इसमें ग्लास स्लैब, इसमें लिक्विड और एयर का जो इंटरफेस है, यानी कि जो हमने रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, तो सबसे पहले आर कैलकुलेट करने के लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, एन इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, तो साइन आर, हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो साइन आर इक्वल हो जाएगा साइन आई ओवर एन, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साइन आर इक्वल हो जाएगा साइन 35 डिवाइडेड बाय 1.25, साइन 35 की वैल्यू 0.57 डिवाइडेड बाय 1.25 एज इट इज आ गया,
यानी कि साइन आर इक्वल आ जाता है 0.456 के। तो यहाँ से आर इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 0.456, यानी कि आर इक्वल आ जाता है 27.13 के। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल भी कैलकुलेट करना है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो साइन सी इक्वल होता है 1/n के। तो साइन सी इक्वल हो जाएगा, यहाँ से सी इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n के, यानी कि सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n की वैल्यू 1.25 है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जहाँ पे 1.25 आएगा तो ये सी आ जाएगा साइन इनवर्स 0.8 के, 1/1.25 0.8 ही आएगा। तो इसका साइन इनवर्स लेंगे तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 53.13 डिग्री। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 12। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5d। कन्वेक्स लेंस की पावर गिवन है 5d। डी क्या चीज है? लेंस की जो पावर होती है उसका यूनिट होता है डायोप्टर, तो उसको 5d लिखा हुआ है, 5 डायोप्टर। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए लेंस से, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है सो दैट इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म, कि रियल और 2 times लार्जर इमेज बने। तो डाटा हमारे पास नोट करने से पहले कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया गया है, कन्वेक्स लेंस की साइन कन्वेंशंस यहाँ पे नोट कर ली। तो डाटा में पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस पावर पी 5 डायोप्टर गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको कैपिटल पी से लिखना है, पावर ऑफ ए लेंस इसको कैपिटल पी से लिखना है, सो दैट द इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म। रियल एंड 2 times लार्जर इमेज से मुराद ये है कि जो इमेज डिस्टेंस है क्यू वो इक्वल होगा 2 times द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू इक्वल टू 2p। उसने खुद कहा है कि रियल एंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। तो सोल्यूशन हम देखते हैं, सोल्यूशन में सबसे पहले पावर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें फोकल लेंथ का मालूम होना ज़रूरी है, और फोकल लेंथ हम इस पावर की मदद से कैलकुलेट करेंगे। पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि कैपिटल पी इक्वल आएगा 1/ फोकल लेंथ इनटू मीटर। तो एफ एम इक्वल आ जाएगा 1/p के, यानी कि एफ इक्वल हो जाएगा 1/5, एफ की वैल्यू आ जाती है 0.2 मीटर। ये मीटर में आई है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके आंसर्स आते हैं या जो आपको वैल्यूज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं वो सेंटीमीटर में होती हैं। सिर्फ ये एक फार्मूला है, पावर इस्तेमाल करते वक्त जो फोकल लेंथ की वैल्यू पुट की जाती है ये मीटर में होनी चाहिए। तो जब ये फोकल लेंथ मीटर्स में आ गया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ है, क्यू की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यू की जगह पे 2p पुट कर देंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 2p ऊपर आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, p p से कैंसिल तो ये 2 रह गया, यहाँ पे आ गया प्लस 2p से कैंसिल तो 1 रह गया, तो वो एज इट इज़ 2 + 3 2 + 1 3 / 2p क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2p इक्वल टू 60 आ गया, यानी कि p इक्वल टू 60 / 2, तो ये आंसर आ जाता है 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p आ गया। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और अगर आप हमसे ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।